और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, देखिए आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है, लेकिन जब से उनका नाम अनाउंस हुआ है बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। जी जरूर, जब से ही आतिशी के नाम की अटकलें लगनी शुरू हुई थी तब से लेकर और जब तक नाम अनाउंस हुआ तब तक सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया कहीं ना कहीं इसको लेकर भाजपा की सियासत जो है वो शुरू हो गई है। भाजपा ने सबसे पहले पोस्टर जारी करा और पोस्टर में साफ तौर पे आतिशी को अरविंद केजरीवाल का पपेट बताया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो और तमाम चीज़ों को लेकर जो है अफजल गुरु की फांसी को लेकर जिस तरीके से आतिशी के परिवार की हस्तक्षेप थी उसको लेकर भी भाजपा द्वारा ट्वीट किए गए और उनके ऊपर निशाना साधा गया और साफ तौर पर भाजपा ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी दिल्ली की जनता। इस तरीके की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी के नाम का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलकर उपराज्यपाल हाउस जाएंगे और वहां पर अपना जो इस्तीफा है वो सौंपेंगे। और मैं बता दूं अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो साथ में जाएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि एक नई राजनीति की शुरुआत अब की जाएगी जब आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने होंगे और दिल्ली में जो योजनाएं जा रही हैं उन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना हो रहा और बाकी आगे की ये जो योजनाएं जिनका ऐलान किया हुआ है उन योजनाओं को भी लागू करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी आतिशी के कंधों पर अब देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा आतिशी के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से भाजपा लगातार हम एक चीज समझना चाहेंगे कि आतिशी जब मीडिया से बातचीत करती है तो वो ये कहती है कि भले ही मुझे मुख्यमंत्री चुन लिया गया है लेकिन अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे कि कैसे काम करना है, मेरे बड़े भाई के तौर पर वो हैं। ये तमाम बातें जब वो कह रही हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को एक मौका मिल रहा है। बीजेपी की ओर से पोस्टर रिलीज किया गया डमी सीएम का। जी जरूर, देखा जाए तो जब आतिशी ने मीडिया को संबोधित किया था तो आतिशी ये साफ तौर पे कहती हुई नजर आई थी कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो बखूबी निभाएंगी, लेकिन काम कैसे करना है किस तरीके से करना है कहीं ना कहीं इसका गाइड जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही करते नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ये बात लगातार कहती हुई नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई लेकिन जिन फाउंडेशन के तहत जमानत मिली है कहीं ना कहीं उससे दिल्ली की जनता के कामों में बाधा आ सकती है, तो ये फैसला लेना बहुत ही जरूरी था। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है और उस हमलावर के साथ साथ अब दिल्ली की जनता की बागडोर जो है वो आतिशी को सौंपी गई है। कहीं ना कहीं आतिशी अपने कंधों पर मजबूती लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हुई तो नजर आई, वहीं साथ साथ वो ये भी कहती हुई नजर आई कि भाजपा के षड्यंत्र जो है वो अभी से ही शुरू हो गए हैं और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि भाजपा अब दिल्ली की जनता के कामों में बाधा ला सकती है। जिस तरीके से स्कूल अच्छा शिक्षा मॉडल दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया, तमाम चीजें मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया, अच्छे हॉस्पिटल्स मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए, तो अब आतिशी इस चीज की आशंका जता चुकी है कि शायद अब भाजपा इन सब कामों में बाधा बनती हुई नजर आए। बीजेपी ने विरोध की शुरुआत भी कर दी है। बहुत शुक्रिया भावना।